वीडियो में हम देखने वाले हैं सिरप्स, यानी कि बहुत सारी सिरप आते हैं बच्चों के लिए, बुड्ढों के लिए, कि कौन सी सिरप किस काम आती है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका नाम क्या होता है, डोज कितनी होती है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कितनी डोज लेनी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन पास पहुंच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपनी सिरप है उसका नाम है साफ़ी, साफ़ी नाम से आपको मिल जाएगी, इसकी फोटो मैं आपको दिखा दूंगा साथ में। तो इसकी जो डोज होती है वो कितनी देनी होती है, बिफोर लंच अगर खाने से पहले ले रहे हैं तो 5 ml लेनी होती है, फिर खाने के बाद में आपको 5 ml लेनी है और फिर सोते समय आपको 5 ml लेनी है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्योरीफाई के लिए, खून साफ करने के लिए और एक्ने मुआस ठीक करने के लिए और फीवर के लिए इसका अपन यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ बता रहा हूँ मैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप है उसका नाम है साइपोन, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। इसमें जो कंपोजिशन होती है यानी कि क्या पाया जाता है इसमें, कौन सी ड्रग्स होती है, तो फर्स्ट इसमें जो ड्रग पाई जाती होती है सिप्रोहेप्टेडिन और फिर होती है सोर्बिटोल और फिर है ट्राइकोलिन, ये तीनों इसमें कंपोजिशन पाई जाती है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर ये साइपोन ड्रग्स जो बनती है। फिर इसकी जो डोज होती है वो कितनी देनी होती है इन अडल्ट, यानी कि अडल्ट में कितनी देते हैं, 5 ml बीडी देनी होती है, 5 ml दिन में 2 बार देनी होती है। और बच्चों में कितनी देनी होती है, 2.5 ml देनी होती है बीडी, यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं आप सुबह शाम। और इसका जो यूज करते हैं वो किस किस में करते हैं, तो फर्स्ट जो अपना इसका यूज करते हैं अपन इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ाने में अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, और इंक्रीज वेट, वजन बढ़ाने में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, और माल न्यूट्रिशन, कोई बच्चा या कुपोषण का शिकार हो गया तो उसके लिए भी अपन इस सिरप का यूज करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट अपनी सिरप है उसका नाम है एरिस्टोजाइम, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। इसमें जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर बनती है, तो फर्स्ट पेप्सिन और फिर है एग एल्बुमिन और फिर है कुकड़ स्टार्च, पका हुआ स्टार्च, इन तीनों से मिलकर ये जो मेडिसिन होती है वो बनती है एरिस्टोजाइम। अब इसकी जो डोज होती है कितनी देनी होती है देख लेते हैं अपन। इसकी डोज मतलब अडल्ट में देनी होती है 5 ml बीडी दिन में 2 बार और चिल्ड्रन में देनी होती है 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, यानी कि सुबह शाम आपको 2.5 ml देनी है बच्चों में, तो और बड़ों में आपको 5 ml दे सकते हो। किस किस में यूज करते हैं अपन इसको, हर्ट बर्न में कर सकते हैं, पेट में जलन हो रही है उसके लिए इंजेक्शन कर सकते हैं, पाचन ठीक से नहीं हो रहा उसके लिए अपन कर सकते हैं, गैस बन रही है अगर किसी की तो उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप उसका नाम है आर्बिटोन, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। इसमें जो कंपोजिशन होता है होता है आयरन, आयरन होता है इसमें, विटामिन B12 होता है, फैक्टर आफ्टर 13 और फोलिक एसिड होता है इसमें, इन तीनों से मिलकर ये सिरप बनती है कौन सी, आर्बिटोन। और इसमें की जो डोज होती है अडल्ट में देनी होती है 5 ml बीडी दिन में 2 बार और चिल्ड्रन में देनी होती है 5 ml दिन में 2 बार। ये देखो गाइस ध्यान रखने योग्य बात है, ये 5 ml आप बच्चों में भी दे सकते हो और 5 ml ये आप बड़ों में भी दे सकते हो, तो ये डोज सेम है। फिर नेक्स्ट जो इसका यूज है वो होता है एनीमिया, एनीमिया में अपन इसकी यूज कर सकते हैं, और लो हीमोग्लोबिन अगर किसी की हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो उसके लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप है उसका नाम है डेक्सोरेंज, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। फिर इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट और साइनोकोबालमिन और फॉलिक एसिड। गाइस साइनोकोबालमिन कौन सी विटामिन का नाम होता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आपको पता होना चाहिए साइनोकोबालमिन कौन सा विटामिन होता है और इसका नाम आप मुझे बताओगे। फिर इसकी जो डोज होती है कितनी होती है, अडल्ट में देनी होती है 5 ml बीडी दिन में 2 बार और चिल्ड्रन में भी 5 ml बीडी दिन में 2 बार देनी होती है। इसका जो यूज होता है उसका यूज अपन कर सकते हैं एनीमिया में खून की कमी होने पर और लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप है लीवा 52, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। डोज इसमें कितनी देनी होती है, बिफोर लंच खाली पेट, यानी खाने से पहले आपको 5 ml देनी है, खाना खाने के बाद आपको 5 ml देनी है और सोने से पहले आपको 5 ml लेनी है, 3 टाइम देनी है इसको TDS। फिर इसका जो यूज होता है वो किस किस में होता है, जॉइंटिस पीलिया में अपन इसके यूज करते हैं बच्चों में और बुड्ढों में दोनों में, डाइजेशन ठीक नहीं इससे नहीं हो रहा उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव एपेटाइट, भूख नहीं लग रही अगर आपको तो उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, और आल लीवर प्रॉब्लम, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप उसका नाम है डाइजिन, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम, ये तीनों कंपोजिशन से मिलकर बनती है कौन सी, डाइजिन सिरप।
इसमें जो डोज होती है कितनी देनी होती है अपन को, डोज देनी होती है अडल्ट में देनी होती है 10 ml बीडी दिन में 2 बार, ये आप 10 ml दे सकते हो बड़ों में 2 बार और बच्चों में 5 ml ही देनी है दिन में 2 बार। और ये किस में यूज करते हैं, यूज देख लेते हैं, इंजाइजेशन यानी कि पाचन में समस्या होने पर अपन दे सकते हैं, गैस एंड एसिडिटी हो रही है उसमें दे सकते हैं, स्टमक अल्सर, स्टमक में अगर अल्सर हो गया तो पेट में अल्सर हो गया तो उसके लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी सिरप उसका नाम नेरी, नेरी इस नाम से आपको बाजार मिल जाएगी। अडल्ट में आपको इसकी डोज 10 ml बीडी दिन में 2 बार देनी होती है, 10 ml सुबह 10 ml शाम को, और बच्चों में दे सकते हैं अपन 5 ml सुबह और 5 ml शाम को दिन में 2 बार। यूज कब देनी है, किडनी स्टोन अगर आपकी किडनी में क्षति हो गई है यानी कि किडनी स्टोन हो गया है, उसमें UTI यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है उसमें अपन इसको दे सकते हैं, और किडनी डिजीज किडनी की कोई भी बीमारी हो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपनी मेडिसिन है या फिर सिरप वो है उसका नाम है कोवित, इस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। इसकी जो डोज होती है अडल्ट में 10 ml होती है बीडी दिन में 2 बार, और बच्चों में होती है 5 ml बीडी दिन में 2 बार यानी कि 5 ml देनी है आपको दिन में 2 बार सुबह शाम। यूज कब देनी होती है, इजी इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो गई तो बच्चों में इम्यूनिटी कम हो गई तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, और बड़ों में भी इम्यूनिटी कमी होती है तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं सिरप का। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो पूछ सकते हो, और मेरे चैनल विजिट करके देखो गाइज आपके लिए बहुत सारी मेडिसन्स पर वीडियो डली हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसन्स पर वीडियो डली हुई है। मैं इंपॉर्टेंट मेडिसन बताता हूँ, ये आपको अपने हिसाब से नहीं लेनी होती है, केवल मैं मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज के लिए बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो देख सके। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।